मैं इस टाइम हूँ क्यारकी विलेज और कोटली हिल्स के बीच में, और माँ का ये जो रूप अभी और फोकस करके दिखाऊंगी, जो ओम शेप में दिखाई देता है वो यहीं से दिखाई देता है। अभी क्यारकी गांव से जस्ट मैं मतलब कि अभी 5-10 मिनट हुए हैं मेरे को ऊपर कोटली हिल्स की तरफ। बहुत सारे लोगों की मेरे पास मैसेज आए थे कि जहाँ से माँ का ओम शेप में रूप दिखाई देता है वो तो क्यारकी विलेज में नहीं है, क्योंकि मेनली क्यारकी विलेज में बोला जाता है वहाँ से माँ का ओम शेप में दिखती है बहती हुई, लेकिन वो क्यारकी विलेज में नहीं है। वहां से आपको ये प्रॉपर ओम शेप वाला नहीं दिखेगा, दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्यारकी विलेज से थोड़ा कोटली हिल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप 5-10 मिनट ऊपर आएंगे तो वहां पे ये व्यू पॉइंट आता है जहां मैं खड़ी हूँ। अभी फोकस करके दिखाती हूँ कि प्रॉपर ओम शेप में है माँ। वाह, मजे आ रहे हैं यहाँ आकर। ये देखिए, ये ओम बना हुआ है बिल्कुल। तो ये व्यू यहीं से दिखाई देता है, तो उसके लिए आप लोग नीचे क्यारकी गांव है वहीं तक आप लोग आगे चले जाते हैं, वहां तक मत आइए। आप क्यारकी से कोटली हिल्स तक चलिए तो आपको और अच्छे अच्छे व्यूज दिखाई देंगे। फिलहाल तो मैं 5 मिनट ही हुए हैं मेरे को चलते हुए, मेरे को ये व्यू दिखाई दे गया है। और अब चलते हैं कोटली हिल्स की तरफ, और क्या आगे दिखाई देगा वो मैं आपको चलते चलते दिखाती हूँ। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी हम उस पॉइंट से हार्डली 4-5 मिनट ही आगे चले हैं, और ये वाला व्यू ये देखिए, यहाँ से माँ गंगा पूरी दूर तक आपको दिखाई दे रही है। आप वहाँ पूरा दूर तक देख सकते हैं माँ गंगा का ये रूप, और यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए, अगर आपको एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा ऋषिकेश को, तो आइए ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर तक बहुत कम लोग आते हैं। तो अगर आपको ऋषिकेश को एक्सप्लोर करना है और कुछ अलग देखना है, तो ऋषिकेश से आधे घंटे ऊपर आइए, आपको देखिए जगह जगह अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे को ये था कि थोड़ा सा मैं भी अलग ही चलूं। हम लोग जब भी बोलते हैं अरे ऋषिकेश में क्या है, माँ गंगा है, चलो घाट पर चलते हैं, वो चलते हैं, थोड़ा सा मुझे अलग चाहिए था। तो पूरा अगर आप पीछे देखेंगे मेरे, तो ऑफ रोड ही है, मतलब रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप सोचो कि बहुत वेल मेंटेन्ड यहाँ पे रोड है, बट गाड़ी इजीली चली जाएगी, कोई भी गाड़ी हो। तो वो आप आइए एक्सप्लोर कीजिए, और सबसे मेन चीज़ तो फिर व्यू तो है ही, ऊपर से माँ गंगा का रूप अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। अभी जहाँ हम पीछे खड़े थे 5 मिनट पहले, वहाँ पर पूरा ओम शेप दिख रहा था, या एस शेप कह लीजिए। अभी हम ऊपर आए हैं तो माँ गंगा पूरा दूर तक दिखाई दे रही हैं, कि कहाँ से दूर से बिल्कुल किस तरह की शेप्स बन के आ रही हैं, और क्या मतलब क्या शेप बन रही हैं, और क्या मतलब रूप दिख रहा है। तो ये चीज़ अगर एक्सप्लोर करनी है तो आइए ऊपर आइए थोड़ा सा। अभी हम कोटली हिल्स जा रहे हैं, थोड़ा और ऊपर है, देखते हैं कहाँ तक है। क्यारकी विलेज पीछे था, बीच में ये पॉइंट्स हैं क्यारकी विलेज और कोटली हिल्स के। तो चलिए और ऊपर चलते हैं, हवा ठंडी हो गई है यहाँ पर। इस टाइम देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ कोटली हिल्स पे। मेरे अगर राइट साइड में ऊपर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे कोटली हिल्स रिजोर्ट है। यहाँ से गंगा व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और मेरे पीछे ऊपर टॉप पे वहाँ पे स्काई वॉक कैफे है और डॉम्स हैं। तो चलिए कुछ कैफे में खाते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या मतलब हमें अच्छा फूड मिलता है। वहाँ से व्यू तो बेस्ट है क्योंकि टॉप पे है। तो चलिए फिर कैफे ही चलते हैं, इंजॉय करते हैं। और उधर वो जो सारा आप एरिया देख रहे हैं वो है कोटली हिल्स, वहीं पे कोटली हिल रिजोर्ट है, टॉप मतलब पॉइंट है यहाँ का। तो वहाँ से वो है कि व्यू बहुत अच्छे दिखते हैं, सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ये है कि फिलहाल तो मेरा कैफे में जाने का मन है, चलिए कैफे भी देखते हैं कैसा वहाँ पे हमको मिलता है खाने पीने को, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और ऊपर से व्यू भी इंजॉय करते हैं।
ये देखिए रास्ता यहाँ पर थोड़ा नैरो है, आप गाड़ी बड़ी संभाल के ले जानी पड़ रही है। और पीछे आ गई है टेम्पो ट्रैवलर, आजा भाई आजा, तू भी आजा। ये देखिए भाई ऋषिकेश में एडवेंचर भी कर लिया, पीछे आ रहा है टेम्पो ट्रैवलर। और देखो ओवरटेक करने की तो जगह है नहीं, और एक आधी जगह तो ऐसी आई थी, ओ बस भगवान भरोसे मतलब बिल्कुल ही ऑफ रोड है। और एक्चुअली होम स्टेज वगैरह भी हैं, ये देखिए भाई, और एकदम यू टर्न है रे। अरे मतलब थोड़ा सा भी ड्राइवर कच्चा हो, हाथ पैर फूलेंगे ही फूलेंगे। और टेम्पो ट्रैवलर वाला सोच रहा है कहीं से मुझे पीछे से मिल जाए, लेकिन भाई जगह ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। काफी ऊपर बना रखा है, हाँ वो है स्काई वॉक कैफे, देखिए वो दिख गया आपको। लेकिन यहाँ तक आना भी एक एडवेंचर वाला है, मजेदार है हर जगह ये हो रहा है बार बार, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और मेरे को धक धक ये हो रही है क्योंकि मैं जबरदस्ती डॉक्टर साहब को ऊपर लेकर आई हूँ कि अगर फंस गई तो मुझे बहुत सारी डांट पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ से ना तो आप गाड़ी मोड़ सकते हो, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, इतनी सी जगह है तो बड़ा ही मुश्किल मामला हो जाएगा। मैंने कहा फंस गए तो, वैसे हम एक वैसे फंसे, इतने फंसे कभी नहीं है, तो इसलिए लगी रही है हमारी गाड़ी हमारी फिलहाल अभी तक तो, कि 4x4 ना होकर भी होंडा सिटी होकर इसने हर जगह से हमें घुमा दिया है। कभी हम ना तो हमारा टायर कहीं पंचर हुआ है कि हम रोड पर खड़े हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, ना ये कभी बंद पड़ी है, इतने साल हो गए। तो चलिए भाई इसके लिए तो होंडा सिटी वालों को मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, देखिए उनकी गाड़ी के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रही हूँ मैं ये देखिए पर मजेदार ट्रिप, वाह वाह आइए, ओह मजे आ रहे हैं। चलिए आज ऋषिकेश के लास्ट में हम एटलीस्ट, ये देखिए यहाँ पत्थर है, ये पत्थर वाओ बढ़िया वाला पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे लगा है, आवाज भी अच्छी खासी आई है भाई देखिए ये पहुंच गया। अगर ये स्काई वॉक कैफे बढ़िया नहीं हुआ फिर इनको बताऊंगी, इतना ऊपर हम एडवेंचर करके आए हैं, रिस्क लेके आए हैं। और ये देखिए भाई व्यू, आप गाड़ी चलाओ नहीं तो पीछे टेम्पो ट्रैवलर वाला हमें गाली दे रहा होगा। लाओ दो मुझे आप अपनी गाड़ी को संभालो, पता चला व्यू के चक्कर में हम व्यू के पास ही चले गए। मतलब थोड़ा सा भी अगर कट लेने में हम यहाँ से देरी कर देना तो गाड़ी ही नीचे ही है। ये है डोम्स, चलिए इनको भी अंदर से जरूर वो करेंगे, खड़ी करनी होगी तो गाड़ी। ओके भाई लो जी आ गए रास्ते पे, टेम्पो ट्रेवल वाले तू कहाँ जाएगा भाई। चलिए जी अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। लो जी हम आ गए हैं टॉप पे, और इतना अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे टेम्पो ट्रैवलर, हमने सोचा ये यहाँ आ रहे हैं, ये हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे थे कि हमारी गाड़ी कहीं अटकी तो ये वापस हो लेंगे, और सोच रहे थे अगर होंडा सिटी जा रही है तो हम भी पीछे चले जाएंगे। तो चलिए हमें देख के लोग बाग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें यही चाहिए और क्या। लेकिन वाकई में ऊपर आके व्यूज अल्टीमेट है, मतलब यहाँ आके आपको लग ही नहीं रहा कि आप ऋषिकेश से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। वाओ बिल्कुल वही पहाड़ों वाली, हाई माउंटेन्स वाली आपको फील आ रही है। सामने मुझे जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उधर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से। और ये इधर स्काई वॉक कैफे है, इधर अभी चलेंगे थोड़ा सा अपना कुछ फूड इंजॉय करते हैं। इनके डोम्स हैं, इनके डोम्स भी अभी हम थोड़ा देखते हैं। ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी हमें आना हो तो यहाँ हम रुक सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पीस और ये वाला जो, मतलब मेरे को अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है मैं नीचे क्यारकी में क्यों रुकी, मैं यहाँ आकर क्यों नहीं रुकी। तो चलिए हर बार कुछ, अगली बार नया करने के लिए कुछ होना चाहिए, अगर एक बार में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो अब फिर से एक नई उम्मीद जगी है, अगली बार ऋषिकेश आएंगे तो यहाँ रुकूंगी। चलिए यही जिंदगी है और यही ऐसे ही हम लोगों को चलना है। तो व्यू वाकई में अल्टीमेट है यहाँ से, और अभी मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखाती हूँ, मज़े आ रहे हैं।
चलिए, इतना एडवेंचर करा, रिस्की था काफ़ी। देखिए आप लोग प्लीज़ मत रिस्क लीजिएगा, हम ले लेते हैं बट प्लीज़। तो चलिए फिर मैं आपको एक बार अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ भी।